हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू केयर स्टाइलर्स सॉलिड वर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस शाफ्ट की। सो इस तरह के शाफ्ट जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर है? सो इसकी ड्रॉइंग हमारे पास इस तरह से दे रखी है। एक प्लेट है हमारे पास स्क्वायर, जिसमें होल्स लगे हुए हैं, और एक शाफ्ट है जो 90 डिग्री पे रिवॉल्व है, जैसे कि हमने कल बनाई थी। सो इसी तरह से बनाएंगे। हमारे पास दो डायस दे रखे हैं, एक 21 का और एक 29 का डाया। इसको हम 26 रेडियस के ऊपर रिवॉल्व करेंगे। सो आइए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। सो फ्रेंड्स, जो चैनल पे बिल्कुल नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे, बिकॉज हम रेगुलर वीडियोस डालते रहते हैं। ठीक है, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एन पार्ट मॉडलिंग में चले जाएंगे, और यहां से हम दो सर्कल्स ले लेंगे। एक का डाया हमारे पास है 21 और एक का डाया हमारे पास 29, और यहां से सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। सो ये हमारे पास रेडियस होगा, जिसके अराउंड हमारा जो शाफ्ट है वो रिवॉल्व होगी, और इसको हम रिवॉल्व करेंगे 90 डिग्री पे। क्लियर है? सो फेस को सिलेक्ट करेंगे। फेस पे हम ये प्लेट बनाएंगे। अब प्लेट की जो डायमेंशन हमारे पास क्या है, स्क्वायर प्लेट है 36 36 की, और यहाँ पे होल्स लगे हुए हैं, तो होल्स जो है वो हम बाद में भी लगा सकते हैं। पहले हम प्लेट बना लेते हैं, और अंदर वाला जी ये वाला जो होल है इसको भी बना लेते हैं। सो हमारे पास एक प्लेट आएगी बिल्कुल सेंटर से, स्क्वायर प्लेट होगी। सो इसका डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 36, एंड देन यहां से भी कितना आएगा, 36। सो यहां से अभी हम क्या करेंगे, कन्वर्ट एंटिटी करेंगे। इस सर्कल को भी हमने कन्वर्ट एंटिटी कर देना। अब यहां पे सर्कल का सेंटर आ रहा है, तो इस सर्कल के सेंटर को और इसके सेंटर को हमने क्या करना है, कोइंसिडेंट करना है, ताकि बिल्कुल सेंटर पे आए। ओके, सो इसके कॉर्नर पे हमारे पास रेडियस भी दे रखा है 2 mm का। सो यहाँ पे फिलेट भी लगा लेंगे, 2 mm की हमारे पास फिलेट आ जाएगी इस तरह से, क्लोज कर लेंगे, और यहां से हम इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। अब इसको एक्सट्रूड कितना करेंगे, 5 mm। दोनों शाफ्ट ही हमारे पास 5 5 mm की हैं, सो दोनों को मिरर कर लेंगे एक को बनाने के बाद। सो इस तरह से आपके पास ये एक्सट्रूड हो गया। नाउ इस प्लेट पे अभी हम होल लगाएंगे, तो होल विजार्ड में चले जाएंगे। हालांकि इसको आप सर्कल बना के एक्सट्रूड कट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम होल कमांड यूज करेंगे। सो होल कमांड के लिए हम यहाँ पे कस्टमाइज करते हैं, और सी बोर्ड ड्रिल हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो यहाँ पे आपके पास ड्रिल का जो डाया दे रखा है, यहाँ साइज दे रखे हैं, वो यहाँ पे ये दे रखे हैं कि 3 का जो डाया है वो थ्रू होल जाएगा, और 6 का डाया 1 mm जाएगा। क्लियर है? So, यहाँ पे आप हर एक डायमेंशन को चेक करके उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइक मेरे पास 40 का डाया है, तो यहाँ से 40 के डाया को मैं चेंज कर दूंगा इन 6 mm में। और हमारे पास ये वाला 20 का डाया आ रहा है, 20 का डाया हमारे पास कितना आएगा, 3 mm का। अच्छा, यहाँ पे आपके पास देखिए पोजिशन नहीं आ रही, तो सबसे पहले आपको पोजिशन भी चेंज करनी है यहाँ पे इस तरह से। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे पोजिशन आ रही है, अब इसकी डायमेंशन भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। लाइक यहां से यहां तक मेरा डिस्टेंस कितना आ रहा है, 5 mm, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी मेरे पास 5 mm ही आ रहा है। सो ये कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इसको ओके करेंगे और बैक टू टाइप पे आएंगे। अब ये वाली जो डेप्थ है हमारे पास कितनी आएगी, 1 mm। सो ये 1 mm आएगी, और यहां से डेप्थ कितनी आएगी, अब देखिए थ्रू होल आ रहा है, 3 का जो डाया हमारे पास थ्रू होल आ रहा है, तो उसको हम थ्रू होल नहीं करेंगे अभी, बिकॉज जब आप यहाँ पे इसको लीनियर पैटर्न करेंगे, तो यहां से देखिए ये भी कट करता हुआ चला जाएगा, शाफ्ट को भी कट कर देगा। तो थ्रू होल नहीं जाना है हमें, जितना ये एक्सट्रूड किया है वहीं तक कटिंग करनी है। तो कितना एक्सट्रूड किया था हमने, 5 mm, तो इसको हम 6 mm तक लेके चल सकते हैं। तो ओके कर देंगे, तो ये हमारा होल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इसके बाद हम लीनियर पैटर्न करेंगे। लीनियर पैटर्न में हमारे पास डायरेक्शन आएगी ये वाले, और इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस दे देंगे 26 mm। देखिए यहाँ पे दे रखा है आपके पास,
क्लियर है। सो यहां से आप एज्यूम भी कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर 5 mm यहां से लेफ्ट किया, 5 mm यहां से, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 36 है, तो 10 mm माइनस होगा तो 26 डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरी डायरेक्शन हमारे पास ये आ रही है, इसको यहां से चेंज कर सकते हो आप डायरेक्शन को, और यहां पे दोनों का डिस्टेंस आपके पास कितना आ जाएगा, 26। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, नाउ एक चीज का आपने यहां पे ध्यान रखना है कि जब आप यहां पे इसको मिरर कर रहे हैं तो आपको प्लेन पहले ही लेना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे बॉस एक्सट्रूड में जा रहा हूं और मैं इसको मर्ज रिजल्ट ऑफ कर रहा हूं, ठीक है, ताकि अगर मैं इसको अगर हाइड भी करना चाहूं तो ये सिंगल हाइड होगी बॉडी, ठीक है, तो आपके पास दो फेसेस मिल जाएंगे। सो यहां से आप क्या करोगे, ये देखिए आपके पास सेंटर पे प्लेन आ गया। नाउ आपने क्या करना है, बॉस एक्सट्रूड को अनहाइड कर दीजिए और यहां से आपने अब क्या करना है, मिरर करना है। सो मिरर कर दीजिए, आप इसको चाहो तो पहले भी बना सकते हो और बाद में भी बना सकते हो, तो बाद में बनाने के बाद आपको इस तरह से मर्ज ऑफ करना पड़ेगा और हाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पहले ही प्लेन ले सकते हैं, ठीक है, द प्लेन, और उसके बाद फीचर कौन कौन से आएंगे, बॉस एक्सट्रूड आएगा आपके पास, लीनियर पैटर्न आएगा और हॉल भी आएगा, ठीक है। सो इसको आप ओके कर लेंगे। सो कह रहे हैं ओनली मर्जिंग फीचर्स मे बी पैटर्न्ड, ठीक है। सो हमें यहां से क्या करना है, ज्योमेट्रिक पैटर्न करना है, ओके कर देंगे तो इस तरह से आपके पास ये जो अनमर्ज फीचर है वो भी मिरर हो जाते हैं, पैटर्न हो जाते हैं। क्लियर है। सो यहां से अपीयरेंस है, आप यहां पे इसकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। ये बॉडी आ रही है, देखिए अलग अलग आ रही है, तो इनको आप चेंज कर सकते हैं, इस तरह से इनकी अपीयरेंस को आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ड्राइंग अच्छे से समझ में आ गई होगी, शाफ्ट किस तरह से बना सकते हैं हम, तो आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सो ट्राई कीजिए आप इसका प्लेन पहले बना लें और इसकी प्लेट जो है वो बाद में बनाएं, ठीक है, ताकि जो बॉडी है वो मर्ज रहे। ओके, सो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।